ओम शांति। आज मधुबन के प्यारे बाप दादा की साकार मधुर मुरली है 8 नवंबर 2022। आज बाबा ने रूहानी कमाई व ईश्वरीय कमाई करने का आधार बताया गुप्त रूहानी याद की यात्रा में रहना, जो यात्रा बुद्धि योग से करनी है। और ऐसी रूहानी यात्रा में बिजी रहने वाले बच्चों की निशानियां बाबा ने सुनाई कि वह बहुत गंभीर समझदार होंगे, सदा शांतचित रहेंगे, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा, उनको एक बाबा की याद के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। वह बहुत कम धीरे बोलेंगे, उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रॉयल होंगी, हर कार्य इशारे से करेंगे, उन्हें सदा नशा रहेगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। वह सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे, वह सच्चे बाबा के साथ सदा सच्चे होकर रहेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वह मुझसे ज्ञान की ही बातें बोलेंगे। और बाबा ने कहा कि वह यात्राएं तो सिर्फ दिन में करते हैं और हम बच्चे तो सदैव यात्रा पर हैं। सुनते हैं सदा याद की यात्रा में रहने की विधि विस्तार से। आज योगेश्वर बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है, इसमें ही कमाई है। आज बाबा ने मुरली में प्रश्न पूछा, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने याद में रहने वाले बच्चों की 6 निशानियां सुनाई। पहला, वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित रहेंगे। दूसरी विशेषता, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। तीसरी, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेंगी। चौथी निशानी, वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे, वह हर काम इशारे से करेंगे, जोर से बोलेंगे व हंसेंगे नहीं। पांचवी निशानी, उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी, उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। छठी निशानी है, वह आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे, उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होंगी। आज मुरली में गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पहला, सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धूती पना नहीं करना है। आज के दिन का प्यारे बाप दादा का वरदान है, कंपेनियन बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कंपेनियन बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो, अलग हो ही नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके, ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। आज का स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।